मैं आपका दोस्त सुनील एक ऑफिस स्वागत करता हूँ आपके अपने ट्विटर में। दोस्तों ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये S16 मदरबोर्ड है जो अभी आप देख रहे हैं, ये डिस्प्ले आ गया है। इसमें जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम मैं आपको बताऊँ, ये नॉट पावरिंग ऑन था। जो नॉट पावरिंग ऑन क्यों था वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए मैं आपको एक एक चीज़ बंटू में बताता हूँ। जैसे मैंने इसको पावर ऑन किया तो इसका फ़ैन नहीं घूम रहा था, और ये जैसे ही ये मैं निकाल रहा था इसको रिमूव करके फिर मैं ऑन करता हूँ, ये मदरबोर्ड वर्किंग कंडीशन में आ जा रहा था। तो मैंने सिर्फ इसको और सेक्शन छोड़ के सिर्फ मैंने बी कोर सेक्शन इसकी टेस्टिंग की, तो मुझे जो शॉर्टिंग जो मिली है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं आपको जूम करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर दो नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगे हुए थे। ये देखिए यहाँ पर मैं उंगली कर रहा हूँ आपको, ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगे हुए थे। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि ये शॉर्टिंग थी, तो इसकी वजह से ये ऑन नहीं हो पा रहा था। तो मैंने इसको जैसे ही इसको रिमूव किया यहाँ से, रिमूव निकालने के बाद मैंने इसको बाहर रखा, और मैं आपको चेक भी करके दिखा दूंगा कि ये जो कैपेसिटर हैं ये शॉर्ट थे, इसकी वजह से ये नॉन पावरिंग कंडीशन में था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखिए मल्टीमीटर को मैंने बीप साउंड पर रखूँगा। ये देखिए मल्टीमीटर को मैंने बीप साउंड पर रखा और मैं आपको दिखा, एक मिनट, ये देखिए कंटिन्यू बीप आ रही होगी। देखिए ये देखिए कंटिन्यू बीप आ रही है, और ये इसी की वजह से क्या था, मदरबोर्ड ऑन नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से जो मदरबोर्ड जो था वो ऑन नहीं हो रहा था। ये देखिए ये शॉर्ट था, इसकी इस सिर्फ नॉन पोलराइज एक कैपेसिटर की वजह से ये पूरा मदरबोर्ड नॉट वर्किंग कंडीशन था। मैंने जैसे इसको रिमूव किया, मैंने कोई फिक्स नहीं किया यहाँ पर। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए मैंने कोई दूसरा फिर मैंने लगाया नहीं है, यहाँ पे निकाल दिया। कोई नॉन पोलराइज है, नॉन पोलराइज अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी मदरबोर्ड आपका चल जाएगा। और ये देखिए डिस्प्ले भी आ गया है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।